बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। साइंस क्लास 4 लेक्चर नंबर 12 पेज नंबर 16 लेसन नंबर हमारा 4 है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, किस तरीके से खुराक हमारी हम खाते हैं और वो हज़म होती है और फिर वो हमारे खून के अंदर शामिल की जाती है और किस तरीके से हमारा सांस लेने का अमल होता है और ये सांस लेने का अमल जो है वो किस तरीके से हमारे फेफड़े उसमें इन्वॉल्व होते हैं और हमने रिब्स के बारे में पढ़ा है। अब हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। टिक ट्री ऑन द करेक्ट आंसर, जो सही जवाब है उसके ऊपर हमने टिक का निशान लगाना है। इनर पार्ट ऑफ द माउथ वेयर टीथ एंड टंग आर कॉल्ड, जहाँ पे हमारे दांत और जुबान होते हैं, मुंह का वो अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? बकल कैविटी, ओरल कैविटी या बिग इंटेस्टाइन, तो वो उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी इज अटैच्ड थ्रू अ ट्यूब विद स्टमक, लिवर या फिर लंग्स, तो ये स्टमक आएगा इसका आंसर। गैस टेक्स फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीथिंग, कौन सी हम एयर जो है कौन सी गैस जो है वो हम एयर में से ले लेते हैं सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अवर रिब्स आर हार्ड, फ्लेक्सिबल या स्ट्रेट, तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, फूड चेंजेस इनटू स्मॉल पीसेस आफ्टर डैश, यहाँ पे आएगा च्यूइंग यानी कि चबाना, खाना जो है वो चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। बक्कल कैविटी इज अटैच्ड विद स्टमक थ्रू अ ट्यूब, बक्कल कैविटी एक नाली के जरिए मैदे से मिली होती है। टेकिंग ब्रीथ इज कॉल्ड डैश सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सांस लेने का मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है या रेस्पिरेशन सिस्टम कहलाता है। अल्लाह मेक्स वेरी फाइन मैनेजमेंट फॉर अवर डैश लंग्स, स्पेस बिहाइंड द माउथ कॉल्ड डैश, ट्रू फॉल्स है टिक और क्रॉस का निशान मार्क करना है। फूड विच वी ईट इन एनी कंडीशन दैट डाइजेस्ट इन द सेम वे, खाना हम जिस तरीके से खाते हैं जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। ईटिंग फूड डिलीवर्स इन स्टमक थ्रू बकल कैविटी, हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर जाता है बकल कैविटी के ज़रिए से, बिल्कुल ठीक। बकल कैविटी के बाद एक हमारे पास नाली है उसमें से गुजर कर आगे चला जाता है। नेक्स्ट है वी गेट एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, हम हजमशुदा खुराक से, डाइजेस्टेड आएगा यहाँ पे TED, हम हजमशुदा खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं, बिल्कुल ठीक। देर आर नॉट फ्लैक्सीबिलिटी इन अवर रिब्स, हमारी पसलियों में लचक नहीं होती, गलत, वो फ्लैक्सीबल होती हैं। वी फील द टेस्ट ऑफ एनी थिंग इन ओरल कैविटी, हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट आ जाता है ओरल कैविटी में, बिल्कुल ठीक, इस पर हम टिक लगाएंगे। अब हमारे पास मैच द कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। टीथ एंड टंग पार्ट ऑफ माउथ ओरल कैविटी, बिल्कुल हमारे ओरल कैविटी का पार्ट होते हैं टीथ एंड टंग। ड्रेन यूरिन, ड्रेन यूनाइट माउथ एंड स्टमक, कौन सी ऐसी नाली है जो हमारे मुंह और मैदे को मिलाती है, तो ये हमारी है बकल कैविटी। जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस, गैस यूज फॉर टेकिंग ब्रीथ ऑक्सीजन, गैस एक्सट्रैक्ट थ्रू द ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर है और हमने इनके ये क्वेश्चन है हमारे पास, इनके आंसर्स को आगे सॉल्व कर लिया है, इसको रीड कर लेते हैं। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड दैट वी ईट डाइजेस्ट इन अ स्पेसिफिक वे इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स, the combination of these organs is called digestive system. What is oral cavity? Space behind the mouth is called oral cavity.
देर आर टीथ एंड ट्रंक प्रेजेंट इन दिस कैविटी. हाउ डज डाइजेस्टेड फूड डिलीवर इन द होल बॉडी? डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन टू द ब्लड, होल ब्लड देन गेट दिस फूड थ्रू द ब्लड. Whole body then get this food from the blood. What is the function of lungs? Lungs are responsible for the process of respiration. इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है. अल्लाह हाफिज़.